कैसा रहेगा 2023 का साल, तो इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे मेष राशि वालों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए और मिथुन राशि वालों के लिए। तो तीन राशि वालों की हम चर्चा करेंगे 2023 का सालों के लिए कैसा रहने वाला है। मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों जो है आपको पता ही है कि 2023 का साल है केतु का साल, और केतु क्या है अध्यात्म है। केतु जो है आपको एकदम से चोट जो है वो पहुंचा देता है और जल्दी से इंसान को बहुत ज़्यादा इमोशनली और मेंटली हर्ट कर देता है। तो यहाँ पर केतु का साल है, लेकिन केतु की पोजीशन आपको अपनी खुद बर्थ चार्ट में देखनी है और आपको अपनी न्यूमरोलॉजी में देखना है कि केतु का साल आपका कौन सा साल है और केतु जो है उसका मित्र है या नहीं है उस साल का। अब हम बात करेंगे आपकी कुंडली के मेष लगन, वृषभ लगन और मिथुन लगन वालों के लिए, मेष राशि, मिथुन राशि और वृषभ राशि वालों के लिए। तो सबसे पहले तो 2023 में चार मेजर प्लैनेट जो है वो चेंज होने जा रहे हैं। 17 जनवरी को होंगे जो है शनिदेव चेंज, जो मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में जाएंगे। बृहस्पति देव जो है वो आपके 22 अप्रैल को बृहस्पति देव जो है वो मीन राशि से मेष राशि में जाएंगे, और उसके बाद जो है 30 अक्टूबर को राहु केतु के परिवर्तन हो जाएंगे। राहु इस वक्त चल रहे हैं मेष राशि में जो मीन राशि में जाएंगे, और केतु चल रहे हैं तुला राशि में जो कि कन्या राशि में चले जाएंगे। तो ये पोजीशन के अकॉर्डिंगली आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और साथ साथ में इसके मंगल की पोजीशन, क्योंकि मेष लगन में मंगल कारक होता है और वृषभ लगन में शुक्र कारक होता है और जो है मिथुन लगन में बुध कारक होता है, तो ये भी पोजीशन आपके लिए बड़ी मायने रखती है। तो इन सबको मिलाकर जो है मैं आप लोगों के लिए प्रेडिक्शन लेकर आई हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष लगन वालों के लिए। तो मेष लगन वालों की अगर हम बात करें तो आपको बहुत ज़्यादा आपको अब लाभ मिलने वाला है। जो पीछे 60 समय में आपने जो काम किए हैं उन कामों का आपको एक रिवर्ट मिलने वाला है, और अब आपको जो है रिनाउंड होंगे, आप जाने जाएंगे उन कामों का जो आपको, जो आपने पिछले समय में काम किए हैं उसका रिजल्ट आपको जो नहीं मिल पा रहा था, जो मेहनत आपने की है वो आपको आपकी रंग लेकर आएगी, और शनिदेव आपको 11 गुना लाभ देंगे। शनि के आपको उपाय पूरे साल नहीं करने हैं, बात को गांठ बांध लीजिएगा। साथ ही साथ में जो बृहस्पति देव हैं वो आपके जो है शनि और बृहस्पति दोनों मिलकर आपके मकानों के सुखों को बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि खर्चे आपके इस समय साल में बहुत ज़्यादा होंगे मकान के सुखों को, और आपका कोई चेंज ऑफ हाउस हो सकता है इस साल में, आप कोई नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, विदेश जाकर भी आप काम जो है वो कर सकते हैं, और साथ ही साथ में जो है आपके माता के साथ में आपके संबंधों में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपको रहेगी, लेकिन वो बाद में जाकर अप्रैल के बाद अच्छे हो जाएंगे। और कोई भूमि वाहन का भी आप, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ खरीदने वाले हैं, तो ये भी आपके योगा योग जो है वो बनेंगे। और साथ में जब राहु केतु की पोजीशन चेंज हो जाएगी अक्टूबर में, तो थोड़ा सा आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि वो 18 महीने आपको अपनी हेल्थ को 2025 तक आपको जो है हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर नाभि से नीचे की परेशानी है। तो अभी आपके पास बहुत समय है, 8-9 महीने हैं, आप अपनी हेल्थ को थोड़ा ध्यान रख लीजिए, पूरा जॉगिंग एक्सरसाइज रनिंग वगैरह कर करके अपनी हेल्थ को पूरा मेंटेन कीजिए, डाइटिंग कीजिए, जो भी आपको एक्सरसाइजेस ठीक लगती हैं वो आप कीजिए, और प्राणायाम जो है जरूर कीजिए, और जो है योगा जरूर कीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा आप जो है आपके ग्रह स्ट्रांग होंगे। और साथ ही साथ में जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है अगर आप लेते हैं तो उसमें भी आपको जो है लाभ मिलेगा। तो नाभि से नीचे की परेशानियाँ, रीढ़ की हड्डी में दर्द और घुटनों में कमर में दर्द, ये आपको रोग आएंगे, और किसी ना किसी के हॉस्पिटल में पहुँचने के योग भी आपके परिवार में से किसी के आ सकते हैं या आपके भी आ सकते हैं। तो उसके लिए आपको पहले से ही मैंने आपको जो ये सारी चीज़ बताई हैं वो आपको करनी है, और ये आपको क्या करना है, अब आपको उपाय क्या करना है, आपने हनुमान जी को जो है हर महीने चोला चढ़ाना है। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान की पुस्तकें जो होती हैं छोटी, हनुमान चालीसा की पुस्तकें होती हैं वो आप जितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उतना आपको लाभ जो है वो मिलता रहेगा। और आपको जो है सिर्फ हिदायत ये है कि आउट ऑफ द वे जाकर किसी की हेल्प ना करें, पहले अपने परिवार को देखें उसके बाद लोगों की हेल्प करने के लिए निकलें। चलिए बात कर लेते हैं वृषभ लगन वालों के लिए। तो वृषभ लगन और वृषभ राशि वालों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपके योगा योग है वो क्या है, आपके योगा योग है वो कहते हैं कि आपको
जो शनि देव हैं वो आपको कर्म करवाने के लिए आ गए हैं, अब आपकी किस्मत से उठकर आपके कर्म में आ गए हैं और शनि देव का यहाँ पर केंद्र में शश योग आपका बनेगा, शश योग बनेगा तो बृहस्पति भी आपको अभी तो सपोर्ट कर रहे हैं अप्रैल तक, और बृहस्पति जब आपको सपोर्ट करेंगे और शनि का सपोर्ट होगा तो आपके काम जो है वो बनेंगे, जो काम आपके पिछले साल में नहीं हो पा रहे थे वो सारे काम अब आपके बनने वाले हैं। लेकिन राहु केतु की पोजीशन जब चेंज होगी, यानी कि 30 अक्टूबर को जब राहु केतु की पोजीशन चेंज होगी, तो आप अपने थोड़ा सा पेट के ऑपरेशन का थोड़ा ध्यान रखें, पेट के अंदर कोई दिक्कत परेशानी ना आए, अपने बच्चों का ध्यान रखना है, एजुकेशन में थोड़ी सी ब्रेक आ सकती है, लेकिन पैसा आप खूब कमाने वाले हैं, अथाह पैसा आपके पास आने वाला है वृषभ लगन वाले और वृषभ राशि वालों के लिए। तो यहां पर आपको क्या करना है, आपने गुरुद्वारे में जाकर आपने क्या करना है कि जूतों की सेवा, बूट पॉलिश दिमाग में डाल लीजिए, गुरुद्वारे में जाइए या किसी मंदिर में जाइए, वहां पर जाके बूट पॉलिश की सेवा कितनी करेंगे, बूट पॉलिश जो है आप किसी मजदूर को देंगे, ठीक है, वो भी आपके लिए सही रहेगा, और जितना आप पक्षियों को बाजरा डालेंगे, क्योंकि केतु का साल है ना, तो आपने पक्षियों को नहीं छोड़ना है, ये जानवरों को, मासूम जानवर जो है उनको नहीं छोड़ना है, वही आपको बचाएंगे अगले साल में, तो ये आपको लोगों को करना है। चलिए बात कर लेते हैं मिथुन लगन वालों के लिए। तो मिथुन लगन वालों की अगर हम बात करें तो क्या है आपका अगले साल में क्या रहेगा, आपका अगला साल जो है वो बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। अगला साल आपका कैसे रहेगा, आपको ढैया समाप्त हुई है, आप परेशानियों से निकले हैं, आपने जितना मेहनत की उतना आपको रिजल्ट नहीं मिला है, आप हर समय जो है मेहनत मेहनत मेहनत, क्योंकि आपकी फितरत है मेहनत करना, आपकी फितरत है समझदारी दिखाना, और ये समझदारी आपको अब जाकर रंग लेकर आएगी जब किस्मत में शनिदेव बैठेंगे और खूब आपकी किस्मत का लेखा जोखा करेंगे, क्योंकि शनिदेव शश योग बनाएंगे, बृहस्पति के घर में बैठेंगे और बृहस्पति की भी पोजीशन आपके लिए लाभ भाव में आ गई है, तो ऐसे में आप आपके बच्चों का आपको सहयोग मिलेगा, जो बच्चे कहना नहीं मान रहे थे वो बच्चे आपके कहना मानेंगे, आपके जीवन में बाहर आ ही बाहर आपके जीवन में आएगी और लाइफ आपकी जो है वो स्मूथ चलती चली जाएगी। ये महीना जो ये साल है आपके लिए बहुत ही, मैं कहती हूँ कि शनि देव आपकी कलम लिख देंगे, आपके लिए जो है किस्मत लिखने के लिए आ गए हैं और किस्मत का लिखा जो शनि देव एक बार लिख देंगे वो होकर ही रहेगा, लेकिन आपको कर्म करते रहने हैं और आपको फल की इच्छा नहीं करनी है। आपके लिए शनि देव जो है वो योग कारक है, बृहस्पति भी लाभ भाव में आपको लाभ देते रहेंगे, और जो राहु केतु की पोजीशन जो थी, जो केतु ने आपकी पब्लिक डीलिंग खराब कर रखी थी, आपका पेट डिस्टर्ब कर रखा था, आपके रिलेशन डिस्टर्ब कर रखे थे, वो आपके रिलेशन जो है वो ठीक हो जाएंगे, घर चेंज भी हो सकता है, आपका चेंज ऑफ हाउस हो सकता है, या कोई नई प्रॉपर्टी में भी आप इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया और अद्भुत योग आपके लिए बनेगा, क्रिएटिविटी को मत छोड़िएगा, क्योंकि राहु देव आपको क्रिएटिव जो है बनाने के लिए आ जाएंगे, लेकिन क्रिएटिविटी आपको करती रहनी है, अगर आप क्रिएटिव नहीं बनेंगे तो आपको राहु परेशान करेगा, अदरवाइज आपको राहु केतु कुछ नहीं करेंगे। तो आपके लिए मेरे पास ये उपाय है कि आप 10 मजदूरों को या तो समोसे खिला दीजिए, ब्रेड पकौड़े कचौड़े खिला दीजिए, या 10 अंधों को खाना खिला दीजिए, जैसे आपको ठीक लगे, ये हर महीने 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 भी आप करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। 2023 का साल आप सभी लोगों के लिए खुशियां लेकर आए, आपके जीवन में खुशियां आए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आपके जीवन में बाहर आ जाए। 2023 में चैनल को लाइक सब्सक्राइब जो है वो जरूर कीजिएगा, और उपाय तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, मेष राशि वालों को, वृषभ राशि वालों को और मिथुन राशि वालों को उपाय मैंने बताए हैं, वो उपाय आपको जरूर करने हैं, महीने में एक एक बार करते रहिए, उससे भी आपका कल्याण होता रहेगा। और बाकी अपडेट्स जो है मैं आपको हर महीने देती रहूंगी, कौन कौन से ग्रह चेंज हो रहे हैं और वो आपके लिए क्या इफेक्ट डाल रहे हैं, वो भी अपडेट्स मैं आपको देती रहूंगी। तो दर्शकों आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय महाकाली।